जी टीवी से बॉलीवुड में बहुत स्वागत है आपको। मुस्कान सबको दिल पे राज कर रहा है, इतने खूबसूरत मुस्कान है। ऐसे हंसते रहिए, अच्छा लगते हैं। अच्छा बात करें शाबी के सवारी, बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट लेके आ रहा है, बहुत सारे मसाला खजाना लेके आ रहा है। अनिता राज का भी एंट्री हो गया है शो में, आप बहुत बोले तो बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। क्या अनिता राज क्या बन के आ रही है, क्या हो क्या रहा है, मतलब क्या बन के आ रही है अनिता मैम? वो मेरी बुआ दादी बन के आ रही है। एक तो कमाल की एक्टर है, उसके साथ साथ कमाल की इंसान भी, राइट। और हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोगों को उनके साथ काम करने का मौका, राइट राइट। जितने सीनियर एक्टर्स होते हैं जो बहुत अच्छे इंसान भी होते हैं, तो उनसे हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने के लिए। ये तो हो गए उनके बारे में, अब बात करते हैं क्या नया आने वाला है। जी जी जी। तो जैसे कि हमने प्रोमो में दिखाया जी कि मेरी जो बुआ दादी है वो ट्रेन से आ रही हैं, मतलब, और उनको मैं लेने के लिए नहीं पहुँच पाता हूँ, साबी के साथ बैठ के आती हैं, उनको पता नहीं है शायद कि साबी इस घर की दुकान है, इस घर की पहुँच। तो इसके बारे में जब उनको पता चलेगा कि साबी क्या करती है, कहते हैं, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा ट्रैक होगा, मतलब हम सबको देखने में आई थिंक बहुत मज़ा आएगा। मतलब टेंशन भी रहेगा, क्या मतलब शॉक करेंगे बुआ, ये डालमिया खानदान की इतनी बड़ी बुआ आ रही है, इसकी बहू रिक्शा चला रही है, क्या रिएक्ट करेंगे, ये सब कन्फ्यूजिंग टेंशन भी लग रहे हैं आप सब। हाँ मतलब क्योंकि वो बहुत संस्कारी हैं, उनको बहुत ऐसे उनके हाथ में पावर है कि घर में वो जो चाहे वो कर सकती है, तो हम सबको कहीं ना कहीं उनकी बात माननी पड़ेगी। और जब एक ऐसा इंसान आ रहा है जिसके सामने नित्यम आई थिंक कुछ नाम नहीं कर पाएंगे, कदर करते हैं आप, इज्जत करते हैं, इज्जत करते हैं, वो हमारे परिवार की बड़ी है, हमारी बुजुर्ग है, तो चाहे आम जिंदगी हो या रियल लाइफ हो, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी right. बातें सुननी चाहिए। You are right. तो जब वो यहाँ आएंगी मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी, तो शायद जो ऑडियंस चाहती है वो उनको देखने को। देखा जाए तो एक जगह आपने भी और सपोर्ट किया जिसे आप पहले लव करते थे, सोनम। नहीं, मैं उनसे लव नहीं करता था, मतलब शादी हो गया था कुछ तो हुआ था। मुझे लगता था कि सोनम और मेरी जो मैचिंग है वो परफेक्ट, एक पढ़ी लिखी वेल एडुकेटेड लड़की, एक अच्छे परिवार की लड़की, मतलब मुझे उनसे लेना नहीं, मुझे चाहिए था एक अच्छी पढ़ी लिखी जिसको काम आता हो, जिसकी सोच मेरी जैसी हो, वैसी हमारी सोच मिलती थी। लेकिन क्योंकि उनकी और मेरी कुंडली नहीं मिली, तो उनकी छोटी बहन से मेरी शादी हुई सारी। खैर प्यार ऐसा नहीं था, लेकिन अब वही जब पता चला कि वो मेरे बड़े भाई से प्यार करते हैं, तो ये भी एक मेजर ट्विस्ट है, एक ऐसा ट्रैक है जो बहुत कुछ बताएगा, बहुत से ट्विस्ट। मेरा सक्षम जो है, मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे हमारे प्यार ने, जिसे हम संभालने जीवन साथी चुने हैं, एक दिन हमने करके मेरे ही घर में फिर से वापस आएंगे, ऐसा तो कभी नहीं सोचे होंगे आपने। जिंदगी इसी का नाम है कि जो हम सोचते नहीं है वही होता है। मतलब शो तो फिर हम टाइम मशीन का सब पता चल जाएगा। शो आपका शो भी सोचने का मौका नहीं देता है, एक मसाला खत्म होता है दूसरा मसाला रेडी होता है। हम किसी भी चीज को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते, ज्यादा खींचते नहीं, तो जो भी होता है इंस्टेंट हम डिसीजन लेते हैं उस कहानी को वहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादा खींचोगे तो आप बोरिंग होने लगते हैं। राइट राइट राइट। यही आपका सादगी, आपका और जो अपना समृद्धि शुक्ला है, दोनों की सादगी है ना बहुत बड़ी, मीडिया वाले से लेकर आम जनता तक। मतलब देखो आपको रोजा चल रहा है ना, अभी 10-15 मिनट में शायद रोजा खोल भी होगी, लेकिन आप में एनर्जी, ऊर्जा, काम की शक्ति, ऊपर वाला की शक्ति दोनों, और पब्लिक की शक्ति, ये सब प्यार से होता है। आप लोगों की ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं मेरे साथ। तो हम पूरा जनता के लिए क्या बोलना चाहते हैं जो रमजान में चल रहे हैं, बाकी जो ऑडियंस देख रहे हैं, इसके लिए क्या बोलना चाहते हैं हमारा फरहान हैदर साहब? मतलब सबके लिए बहुत प्यार है, और मैं रोज़ा खोलने के यार जितनी भी बात है, मैं पूरे देश के लिए या पूरी दुनिया के लिए, पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया के लिए, क्योंकि हर कोई डिजर्व करता है, राइट राइट, प्यार, सम्मान, सलामती। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग रोज़ा रख लें वो भी पूरी दुनिया के लिए दुआ करें, अपने लोगों को, इंसानियत के लिए। नवरात्रि भी है जी जी, और अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग धर्मों के फास्ट ही चल रहे हैं। यस यस यस, तो बहुत ही अच्छा महीना है। देखा है तो मंजिल सबके एक ही है, सिर्फ रास्ता सब अलग अलग से आते हैं। मंदिर से जाओ, मस्जिद से जाओ, चर्च से जाओ या गुरुद्वारे से जाओ,
पता आपको एक, एक ही मंजिल मिलेगा। थैंक यू, आप फैंस को इतना ही प्यार देते रहे और आपको भी इतना ही प्यार करता रहता है। थैंक यू साबिक सवारी। टाइमिंग बता दो साबिक सवारी का। हाँ, आप देखते रहिए साबिक सवारी 6:30 बजे हर दिन। थैंक यू सो मच फारन भाई, थैंक यू।